सो हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे पॉइंट पे जो कि सिंगर की सबसे बड़ी समस्या में एक है। होता क्या दोस्तों, बहुत से लोग ये कंफ्यूज रहते हैं कि उनको किस जगह जाके सिंगर बनना है। वो अपना घर पे रहें या किसी रिश्तेदार में रहें या कहीं बाहर दूसरे शहर में जाएँ या कहीं किसी स्टूडियो पर चल जाएँ या किसी के पास जाके रह के सिंगर बन ले, वो बहुत कन्फ्यूज रहते हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं एकदम क्लियर करने वाला हूँ कि आपको सिंगर बनने के लिए सबसे अच्छा जगह कौन सा है और आप कहाँ पर रह के अच्छा सिंगर बन सकते हैं। तो आप भी एक सिंगर बनना चाहते हैं और आप भी चाहते हैं म्यूजिक में आगे बढ़ना, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जगह ही बहुत मायने रखता है कि आप किस जगह पे काम कर रहे हैं, कैसे अपने म्यूजिक को टाइम दे रहे हैं, कैसे अपने म्यूजिक पे काम कर रहे हैं, ये बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। तो इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें और एक भी पॉइंट मिस ना करें। मैं बहुत ही बारीकी से बहुत ही डिटेल में बताने की कोशिश करूंगा। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोनू, मैं ऐसे म्यूजिक से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी लेके आता रहता हूं। तो सब्सक्राइब करना ना भूलेगा और लाइक कीजिए वीडियो। आइए स्टार्ट करते अपने मेन पॉइंट को। दोस्तों मैंने देखा कि जहां पे मेरा स्टूडियो है वहां पे कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो बाहर से आके यहां पे रेंट पे रहते हैं, काम करते हैं और म्यूजिक करते हैं। दोस्तों कंडीशन ये है कि ना ही उनका काम अच्छा चल पा रहा ना ही म्यूजिक अच्छा चल पा रहा। क्यों ऐसा हो रहा है, इसके पीछे मैं आपको एक रीजन बताता हूं कि जैसे मान लीजिए कोई लड़का अभी नया नया बड़ा हुआ, मतलब 15-16 साल 20 साल एज हुआ, और जैसे ही उसको समझ आती है कि हाँ अब मुझे म्यूजिक करना है, मैं भी सिंगर बनूंगा, मैं भी बहुत बड़ा आदमी बनूंगा, मेरा भी नाम होगा, तो कुछ कल्पना करके किसी को सुन के किसी से इंस्पायर होके वो उसके मन में आ जाता कि अब मुझे म्यूजिक करना है। तो वो सोचता है कि अरे हम घर पे रहेंगे तो कर नहीं पाएंगे, घर का काम ये वो वहाँ वहाँ फंसे रहेंगे, इससे अच्छा होता है कि हम कहीं बाहर जाके रहें, वहाँ पे रेंट पे रहेंगे, कहीं थोड़ा बहुत काम करेंगे और उससे जो कमाएंगे उस पे अपने म्यूजिक पे लगाएंगे। दोस्तों ऐसे लोगों की यही सबसे बड़ी समस्या होती है कि उनकी थिंकिंग इस लेवल की होती है। दोस्तों आप खुद सोचिए, अगर आप कहीं किसी जगह काम करने जा रहे हैं तो आप वहाँ पे 1-2 घंटा तो काम करेंगे नहीं, वहाँ पे प्रॉपर आपको 8-10-12 घंटा तो टाइम देना ही देना है। तो जो यहाँ पे लोग रहते हैं उनका हाल ये है कि वो 8 बजे सुबह काम पे जाते हैं और रात को लगभग 7-8 बजे घर पे आते हैं। तो दोस्तों सोचिए, अगर आप इतना लंबे समय तक काम करके आएंगे तो क्या आपके पास इतनी एनर्जी बचेगी कि आप जाके उसके बाद म्यूजिक का रियाज करें, गाना गाए, गाना बनाए, गाना कंपोज करें, ऐसा कर सकते हैं? दोस्तों ऐसा फिजिकली मुमकिन नहीं है। अगर ऐसे प्रेशर में आप अपने म्यूजिक को टाइम देंगे तो दोस्तों आप ना ही म्यूजिक अच्छा कर पाएंगे ना ही आप काम अच्छे से कर पाएंगे। तो दोस्तों अगर आप भी इस लेवल पे हैं, अगर आप एक बिगनर हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, कहीं म्यूजिक में बहुत ज्यादा कुछ आता नहीं है, बस आप सोच रहे हैं कि नया नया हम स्टार्ट करें, कहीं जा के रहें, कमाएंगे और खुद करेंगे, तो दोस्तों आप यहां गलती कर सकते हैं। तो ऐसे कंडीशन में आपको करना ये है कि आप जहां पे कंफर्टेबल हो, आप किसी गांव में हो, अपने घर पे हो या किसी रिश्तेदार के वहां हो या किसी स्टूडियो पे जाके रहते हो, आप वहां पे ये देखिए कि आप वहां कंफर्टेबल हैं कि नहीं है। आपको म्यूजिक करने के लिए प्रॉपर रेस्ट टाइम के बाद आपको कम से कम 5-6 घंटा टाइम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, आप रियाज कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, गाना सुन पा रहे हैं कि नहीं सुन पा रहे हैं, या फिर कहीं स्टेज शो हो रहा है उस पे जा पा रहे हैं कि नहीं जा पा रहे हैं। अगर ये सब सुविधा आपको मिल रही है तब आप जाके उस कंडीशन में रह सकते हैं। अगर आपके पास ये कंडीशन है कि आपको काम भी करना है फिर भी आपको म्यूजिक करना है और आप 8-10 घंटा काम करना, फुल डे काम करना, फिर उसके बाद बचे टाइम पे आपको म्यूजिक करना, तो ऐसे में आप गलती कर बैठेंगे, ऐसे में आप म्यूजिक नहीं कर पाएंगे। लेकिन आप में से बहुत से लोगों को कमेंट आया, लेकिन आप में से कई लोग कमेंट ऐसा भी करेंगे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बहुत से लोग करते हैं। हाँ मानते हैं कुछ लोग हैं करते हैं, बहुत हिम्मती हैं, हो सकता है आप भी हों, लेकिन सब लोग नहीं होते हैं। जो अपने हिसाब से आप लोग जरूर देखें कि आपको कैसे सुविधा है, कितना सुविधा है। अब बात करते हैं थोड़े एडवांस सिंगर का जो अच्छा खासा गा लेते हैं, जो पहले से काम कर चुके हैं म्यूजिक में और थोड़ा बहुत म्यूजिक से कमाते भी हैं, तो ऐसे लोग कहीं जाके काम कर सकते हैं। वहां पे क्या होगा ना कि मान लीजिए कहीं जाएंगे वो, तो वहां पे अपनी टीम बना सकते हैं, टीम बना के स्टेज शो का प्रोग्राम कर सकते हैं, अपने आप को वहां पे प्रमोट करिए कि ताकि आपको काम मिले, लोग आपको बुलाएं, आपसे काम कराएं। जब आप म्यूजिक में ही काम करके म्यूजिक से ही पैसा कमाएंगे तो वो आपके लिए बहुत अच्छा चीज है, और ये आप तभी कर पाएंगे जब आप एक अच्छे लेवल के सिंगर रहेंगे या अच्छे लेवल के इंस्ट्रूमेंट प्लेयर रहेंगे, या फिर आप कहीं किसी भी शहर में जाएंगे। मान लीजिए आपको मुंबई जाना है, आप अच्छे खासे सिंगर हैं, मुंबई जाएंगे जब आप अच्छे खासी नॉलेज रहेगी तो आप बहुत जल्दी लोगों से जुड़ जाएंगे। जब लोगों से जुड़ जाएंगे तो आपको वहाँ पे काम मिलना शुरू हो जाएगा। आप छोटा मोटा शो या कैफे में गाना या फिर कुछ भी ऐसे रेस्टोरेंट में गाना, मतलब ऐसा कुछ आप कर सकते हैं नॉर्मली। तो ऐसे केस में
में ऐसे सिंगर पैसा कमा सकते हैं, अगर आपका प्रोफेशन है म्यूजिक और म्यूजिक से ही आप पैसा कमा रहे हैं तो वो काम आपके लिए बढ़िया है। चाहे आप बिगनर लेवल पे हो या इंटरमीडिएट लेवल पे हो, किसी भी लेवल पे हो, अगर आप पैसे उसी से कमा रहे हैं जो आपका प्रोफेशन है तो वो काम आपके लिए बढ़िया है, आप जाके कहीं और कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं जगह का, कौन सा जगह किसके लिए सबसे ज्यादा सुटेबल है। तो जैसे कि मैंने वीडियो में बताया कि ये आपको करना है, लेकिन कई लोगों के मन में होता कि नहीं म्यूजिक करना है तो घर का छोड़ना ही पड़ेगा। लेकिन जो लोग ऐसा सोचते हैं वो पूरी तरह से गलत भी नहीं सोचते, वो कहीं ना कहीं अपनी जगह सही है। होता क्या दोस्तों, देखिए म्यूजिक क्या एक माहौल की चीजें है, एक दूसरे से जुड़ने की चीजें है। जब तक आप एक माहौल में नहीं रहेंगे, एक जगह ऐसा नहीं रहेगा कि कुछ लोग आपके साथ म्यूजिशियन हो, आप अकेले ही हैं, बस अपने घर में गाते हैं और कोई ऐसा माहौल नहीं है, तो दोस्तों आपको थोड़ी सी माहौल के लिए, वाइब के लिए आपको जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए जरूरी नहीं है कि आप किसी दूसरे ही जगह रहें, आप अपने आसपास भी वो वाइब क्रिएट कर सकते हैं, कुछ लोगों का ग्रुप बना सकते हैं और ऐसे लोगों का ग्रुप आपको आपके शहर में मिल जाएगा, बस आपको खोजने की देरी है। कई लोग खोज नहीं पाते, आप चाहेंगे खोजेंगे कुछ लोग मिल जाएंगे और साथ में मिलके म्यूजिक करिए दोस्तों, उसका बहुत ही बेनिफिट है। क्योंकि एक जो माहौल रहता है ना, तो आदमी अपने ऊपर काम करता है, जब काम करता है तो वो चीजें बहुत ही अच्छा करने लगता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी मिली होगी और आप ये समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ और आप इसे फॉलो भी करेंगे। अगर आपके भी मन में ये अभी तक था कि मैं भी कहीं जाऊँगा या फिर कहीं जाके रह के काम करके फिर म्यूजिक करूँगा, तो आप उसके बारे में एक बार विचार जरूर करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और कोई बात आपके मन में हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स के जरिए बताना ना भूलिएगा, मैं कोशिश करूँगा उसका एक प्रॉपर वीडियो बनाने के लिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।